Yes, recording is started. My dear students, very, very, very good morning. Well, so this is the window of MS PowerPoint, and you can see the window is different from previous window. Okay, because this is my updated Microsoft PowerPoint. Okay, I think this is the version is 2016. I hope so. Well, so few options we need to know about PowerPoint, which which are very very important. ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है एक बार देख लो. ठीक है, सो PowerPoint प्रेजेंटेशन का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ऑफ कोर्स डिजाइनिंग, तो है ही है. ठीक है, और मैं हमेशा PowerPoint से पढ़ाता हूँ, तो यू यू मस्ट हैव सीन दैट व्हाट काइंड ऑफ PowerPoint आई हैव प्रिपेयर्ड. कई तरह के PowerPoint मैंने PPT बनाए हैं, और आई थिंक यू कैन डू दिस मच बेटर. ठीक है, आपके पास भी कई सारे आइडियाज होते हैं PPT बनाने के लिए. तो ये तो हो गया. सेकेंड जो होता है स्लाइड शो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, स्लाइड शो. ठीक है, स्लाइड शो के पहले जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन था एनिमेशंस. एनिमेशंस में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ट्रांजिशन भी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है. ट्रांजिशन में दो चार सेटिंग आपको बता देता हूँ. ट्रांजिशन दैट इज एप्लीकेबल टू द स्लाइड्स. ठीक है, ट्रांजिशन किसके ऊपर अप्लाई होता है, जब एक स्लाइड चेंज होकर दूसरा स्लाइड आता है उसके बीच में ये ट्रांजिशन होता है. दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड ट्रांजिशंस, एंड यू कैन अप्लाई सेम ट्रांजिशंस ऑन अपॉन ऑल द स्लाइड्स, और यू कैन चेंज इट. ठीक है, सपोज ये स्लाइड नंबर वन है और ये स्लाइड नंबर टू, तो स्लाइड वन और टू के बीच में मैं ये वाला ट्रांजिशन दे देता हूँ. ठीक है, ओरिगामी, तो इसमें ऐसा कुछ होगा. ठीक है, अब स्लाइड नंबर टू पे क्लिक करके अगर आप कुछ और देते हो, ठीक है, जैसे कि ब्लाइंड्स वाला दे दिया जाए. ठीक है, नाउ अच्छा वो अप्लाई नहीं हुआ था. ठीक है, सो वॉट वी कैन डू, वी कैन अप्लाई अ सेम ट्रांजिशन अपॉन ऑल द स्लाइड्स. ठीक है, तो एक अच्छा वाला कोई ले लेते हैं, सपोज ये वर्टेक्स, ये भी एक अच्छा ट्रांजिशन है. ठीक है, यू कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ ट्रांजिशन. हियर यू कैन सी ड्यूरेशन 4, 4 मतलब 4 सेकेंड्स. ठीक है, आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं. यू कैन मेक इट 2 सेकेंड्स. ठीक है, यू जस्ट राइट 2 एंड प्रेस एंटर. तो ड्यूरेशन अभी 2 सेकेंड्स का हो गया. देन वॉट वी कैन डू, अप्लाई टू ऑल. अप्लाई टू ऑल मीन्स सारे स्लाइड्स में यही ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगा. देन यू कैन सी वन ऑप्शन दैट इज एडवांस स्लाइड में ऑन माउस क्लिक एंड आफ्टर. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज यू वॉन्ट टू शो द प्रेजेंटेशन विदाउट एनी माउस क्लिक, है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आफ्टर में क्लिक करना चाहिए. ऑन माउस क्लिक अगर चेक है, अगर उसको अनचेक करना है. ठीक है, एंड आफ्टर यू कैन सी हियर आई हैव गिवन 1 सेकेंड, मतलब एक स्लाइड 1 सेकेंड तक दिखेगा, फिर अगला स्लाइड आ जाएगा. सो वी कैन इंक्रीज इट, नो प्रॉब्लम. सो आई हैव मेड इट 2 सेकेंड्स. नाउ इफ आई स्टार्ट स्लाइड शो, सो वट विल हैपन, यू कैन सी आई डोंट नीड टू क्लिक द माउस बटन, इट विल बी ऑटोमेटिकली यू नो जस्ट कैन सी इट्स गोइंग ऑन, इट्स गोइंग ऑन. ठीक है, डन. सो स्लाइड शो इज ओवर. ओके ओके, यस तन्मय, डेफिनेटली इट विल बी अपलोडेड इन पोर्टल. नेक्स्ट, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑन माउस क्लिक एंड आफ्टर. इफ यू क्लिक ऑन माउस क्लिक, then you have to click mouse button, then it will be move on. Okay, it will be moving actually. So that is important thing. Now
इन ट्रांजिशन ओके दीज आर द थिंग्स. एनिमेशन आई डोंट थिंक यू नीड एनी टाइप ऑफ हेल्प बिकॉज यू यू नो दैट हाउ टू एड एनिमेशन. ओके सो यू हैव टू क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट देन यू हैव टू क्लिक ऑन एड एनिमेशंस एंड हियर यू फाइंड मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन. ओके नाउ फ्यू सेटिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर अवेलेबल इन स्लाइड शो मेन्यू. ठीक है स्लाइड शो मेन्यू में सबसे पहले वॉट यू कैन सी फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम करेंट स्लाइड. सपोज आई एम वर्किंग ऑन दिस स्लाइड है ना. ये स्लाइड नंबर 5 है और मुझे 5 से ही शो करना है. सो आई विल क्लिक ऑन फ्रॉम करेंट स्लाइड. सो वॉट यू विल फाइंड दैट कि जो है स्लाइड नंबर 5 से एनिमेशन होना शुरू हो गया. ठीक है अब फ्रॉम द बिगिनिंग करेंगे तो ऑफकोर्स जो फर्स्ट वाला स्लाइड है वहां से शुरू हो जाएगा. ठीक है तो ये दोनों ऑप्शन तो क्लियर है. प्रेजेंट ऑनलाइन ये अभी फिलहाल तो अभी यूजफुल नहीं है हमारे लिए. ओके देन यू कैन सी कस्टम स्लाइड शो. कस्टम स्लाइड शो को समझने से पहले एक चीज और समझ लो. व्यू ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है स्लाइड सॉर्टर. ठीक है ये वाला स्लाइड सॉर्टर इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको एक ही स्क्रीन में सारे स्लाइड दिख जाएंगे. ठीक है सो हियर आई हैव 8 स्लाइड्स. ओके दिस इज द फर्स्ट वन सेकेंड वन थर्ड वन फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ. सो 8 स्लाइड्स आई एम हैविंग राइट नाउ. एंड आपको हो सकता है कि आप पहले ये वन नंबर स्लाइड वन को दिखाने के बाद आप चाहते हो कि स्लाइड नंबर 4 आ जाए उसके बाद 2 आए उसके बाद 3 आए उसके बाद 6 फिर 8 फिर 7. ठीक है तो दो तरीके से आप मतलब देखो अगर आप उसको अरेंज करना चाहते हो तो स्लाइड सॉर्टर व्यू से आप अरेंज कर सकते हो. ठीक है जैसे कि मैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्लिक किया और 3 को सपोज 2 के जगह में लाना है. सो व्हाट आई विल हैव टू डू आई विल हैव टू ड्रैग इट. ये हो गया मेरा 3 वाला जो था वो 2 में आ गया. ठीक है अब जैसे 5 नंबर स्लाइड्स को सेकंड में लाना है तो उसको ड्रैग करके यहां रख देना है. तो स्लाइड सॉर्टर व्यू से यू कैन इजीली रीअरेंज द स्लाइड्स. ठीक है मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर दिया तो नाउ यू कैन सी ऑल द 8 स्लाइड्स. आई कैन मूव एनी स्लाइड्स एनीवेयर टू अरेंज इट. ठीक है अब यहां पर स्लाइड शो में हम क्या कर सकते हैं कि ये स्लाइड जो अरेंज है उसे अपने हिसाब से शो कर सकते हैं. मतलब आपके आपका अरेंजमेंट नहीं बदलेगा. स्लाइड जो अरेंजमेंट है जो उसी अरेंजमेंट में रहेगा लेकिन यू कैन शो द स्लाइड्स व्हिच यू वांट टू शो. हो सकता है आप 1 दिखाना चाहो 3 दिखाना चाहो और 7 दिखाना चाहो. ठीक है तो दैट फॉर दैट पर्पस व्हाट यू हैव टू डू हम लोग नॉर्मल व्यू में चले जाते हैं. ठीक है और एक बात याद रखना पावर पॉइंट में जो व्यूज होता है नॉर्मल व्यू आउटलाइन व्यू स्लाइड सॉर्टर नोट्स पेज और एक होता है रीडिंग व्यू. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू एंड लेकिन हम स्लाइड को मॉडिफाई कर सकते हैं कौन से व्यू में नॉर्मल व्यू में. अगर मुझे स्लाइड में कुछ लिखना हो या कुछ एडिट करना हो सो आई हैव टू बी ऑन नॉर्मल व्यू. ठीक है नाउ कम बैक टू द स्लाइड शो ऑप्शन. स्लाइड शो में जो अभी बता रहा था मैं कस्टम स्लाइड शो इफ यू क्लिक ऑन इट सॉरी कस्टम स्लाइड शो इफ यू क्लिक ऑन इट देन वन ऑप्शन विल बी देयर कस्टम शो. जस्ट क्लिक ऑन इट एंड देन हियर यू विल फाइंड न्यू ऑप्शन. अभी न्यू ऑप्शन से क्या करना है. न्यू ऑप्शन से हमें उन स्लाइड को सिलेक्ट करना है जिसे मैं दिखाना चाहता हूँ. अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर 8 स्लाइड्स है और मैं उसमें से सिर्फ 3 दिखाना चाहता हूँ. सो यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू देन यू विल फाइंड दैट वन मोर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. एक दूसरा डायलॉग बॉक्स आ गया. अब यहां पर मैं जिस जिस को ऐड करना चाहता हूं मैं उसे सिलेक्ट करूंगा. यहाँ चेक बॉक्स में दिख रहा है. ठीक है तो मैंने स्लाइड 1 स्लाइड 4 और स्लाइड 7 को सिलेक्ट किया और यहां पर जो ऐड बटन है ऐड बटन में क्लिक कर दो. डन अब यहां पर आप देख लो स्लाइड 1 स्लाइड 4 और स्लाइड 7 सिलेक्ट हुआ है. नाउ आई विल क्लिक ऑन ओके. तो ये मेरा बन गया कस्टम शो 1. अब कस्टम शो 1 पे क्लिक करके जब मैं ये शो बटन पे क्लिक करूंगा मेरे सामने
पहले वन आएगा, वन के बाद आ जाएगा सीधा फोर, और फोर के बाद आ जाएगा सीधा सेवन. ये स्लाइड शो खत्म. ठीक है, तो इन दैट वे यू कैन ऑल्सो यू नो इसका इस ऑप्शन का भी दिस इज यूजफुल एक्चुअली. ठीक है, अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ यूज हो सकता है, लेकिन व्हेन यू विल बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ एट दैट टाइम यू विल हैव नीड ऑफ दिस. ठीक है, और जो भी कस्टम शो आप बनाते जाओगे वो आपके यहाँ सेव होते जाएगा. एज यू कैन सी नाउ कस्टम शो वन, ठीक है, क्लिक करने से वापस से शुरू हो जाएगा. अच्छा, आप अपना कस्टम शो का नेम चेंज भी कर सकते हो. ठीक है, क्लिक ऑन कस्टम शो, फिर से देख लो एक बार. कस्टम शो पे क्लिक करके कस्टम शो में चले जाओ. यहाँ पर एडिट ऑप्शन दिया है, एडिट ऑप्शन में क्लिक करो और यहाँ पर लिखा है ना स्लाइड शो नेम, सो यू कैन चेंज द नेम, दैट इज अप टू यू इफ यू वॉन्ट. ठीक है, नेक्स्ट. राघव सी, एक्चुअली इट इज लाइक दैट कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका कोई बना हुआ पहले से बना हुआ पीपीटी आपको शो करना है, लेकिन उसमें से क्या है कि कुछ पॉइंट्स लगता है, कुछ स्लाइड्स हो सकता है कि वो यूजफुल ना हो, है ना. अब जैसे मान लो कि मैं नाइन्थ में भी मॉडल्स पढ़ाता हूँ, एट में भी मॉडल्स पढ़ाता हूँ, मॉडल वर्ब. ठीक है, अब नाइन्थ को जिस लेवल से पढ़ाना चाहिए एट को उस लेवल से नहीं पढ़ाते, लेकिन मुझे लग रहा है कि नाइन्थ वाला पीपीटी जो है वो एट में काम आ जाएगा. उसमें से मैं ऐसा हो सकता है जो जो स्लाइड्स एट के लिए जरूरी है उसे मैं दिखा सकता हूँ. ठीक है राघव, सो आई थिंक राघव हैज अंडरस्टूड. नाउ एक और एक ऑप्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, वो है सेटअप स्लाइड शो. ठीक है, ये स्लाइड शो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा सेटअप स्लाइड शो. यू मस्ट हैव सीन समवेयर कि या फिर आपको ऐसे पूछा गया कि आप प्रेजेंटेशन बनाए हो, वो स्लाइड शो जो है वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे, बंद मत हो. अभी क्या हो रहा है, स्लाइड नंबर वन से लेकर एट तक शो हो रहा है ऑटोमेटिक, उसके बाद बंद हो जा रहा है. ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कहा गया कि स्लाइड शो चलते रहे, वो कभी बंद ना हो जब तक कि ना आप एस्केप बटन दबाते हो, तो उसके लिए क्या सेटिंग है. ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव यू डन दिस बिफोर, ऐसा पहले कभी किया हो आप लोग, स्लाइड शो चलते रहे? नो सर. नो सर. अरे नहीं किए क्या एनुअल फंक्शन वगैरह में? यस सर, मैं किया हूँ. हु इज दैट? अक्षत. ओके अक्षत, वेरी गुड. तो अक्षत ने किया है, शाबाश. और कोई फोर पार्टिसिपेंट्स आई कैन सी सर? व्हाट? ये जो हमारे पास स्लाइड्स है, वी हैव एट स्लाइड्स एंड व्हेन वी स्टार्ट स्लाइड शो, ठीक है, जब हम स्लाइड शो शुरू करते हैं तो वो क्या है, जब आठवां स्लाइड शो हो जाएगा उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, मतलब वापस से घूम के नहीं आता है. ठीक है, सो इफ यू वांट टू मेक इट लाइक कि ये चलते रहे है ना, एट तक पहुंच गया उसके बाद फिर वापस वन से शुरू हो जाए, फॉर दैट What we have to do, या फिर आपने ऐसा किया है पहले या देखा है पहले? नहीं देखा? देखो अभी स्लाइड शो खत्म हो गया, अब मुझे एंड शो करना पड़ा. ठीक है, सो सी हाउ टू मेक इट अ वीडियो लाइक फाइल, सो दैट वीडियो लाइक फाइल कहना तो थोड़ा सा गलत होगा, मतलब स्लाइड शो चलते रहे, वो इसको बोलते हैं लूप, इट इज कॉल्ड एज लूप. तो लूप में चलते रहे उसके लिए क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वेरी सिंपल, वी हैव टू क्लिक ऑन सेटअप स्लाइड शो. ठीक है, अब यहाँ जो विंडो है बेटा, ये थोड़ा सा क्या एडवांस वाला विंडो है, क्योंकि अपडेटेड पावर पॉइंट है मेरा. हो सकता है कि आपके विंडो में ये कहीं और दिखे, लेकिन नाम उसका सेम है, सेटअप स्लाइड शो. सो क्लिक ऑन सेटअप स्लाइड शो. नाउ यू विल फाइंड the option which is very very important, that is loop continuously until ESC. ESC मतलब escape. आपके keyboard के top left corner में एक button होता है ESC, escape. ठीक है, अगर आप keyboard को देख रहे हो तो देख सकते हो. Then you have to check it, बस आपको क्या करना है, इसको check करना है और इसे okay कर देना है. ठीक है, और एक बात याद रखना,
ट्रांजिशन में आपको आपको चेक करना होगा कि यहाँ ऑन माउस क्लिक है कि आफ्टर है। अभी फिलहाल तो आफ्टर है और मैं इसे थोड़ा सा और फास्ट कर देता हूँ। आफ्टर 1 सेकेंड कर दिया, मतलब एक स्लाइड 1 सेकेंड तक रुकेगा, उसके बाद अप्लाई टू ऑल ये होना चाहिए। एंड देन स्लाइड शो में आ जाओ यहाँ पर। अब हाँ, ये लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एक सी चेक्ड है, ओके कर दो। नाउ इफ यू स्टार्ट द स्लाइड शो, सो व्हाट विल हैपन, जस्ट लुक, ये पहला स्लाइड हो गया, उसके बाद ये दूसरा स्लाइड, ये तीसरा स्लाइड। अच्छा, ये स्लाइड के बहाने आप लोगों का रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है, ये सब चैप्टर्स एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। लास्ट स्लाइड आने वाला है, हाँ ये शायद लास्ट स्लाइड है क्या, हाँ ये देखो वापस से फिर 1 में आ गया, ये फिर 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तो है नहीं, 8 के बाद सीधा 1। सो इन दिस वे यू कैन डू इट, ओके। सो एनीवन, एनी डाउट? और ये बहुत यूजफुल है, जैसे मान लो कि आप एनुअल फंक्शन में आपको ऐसे स्लाइड दिखाना है, ठीक है, सो उस टाइम ये बहुत काम आएगा। तो सेटिंग याद रख लेना, लूप कंटिन्यूअसली अनटिल ईएससी, ठीक है, ओके। सो नाउ आई नीड टू प्रेस एस्केप बटन। जब मैं एस्केप बटन दबा दूंगा तो प्रेजेंटेशन स्लाइड शो जो है वो खत्म, ठीक है। इसके बाद एक और एक ऑप्शन है जो यूजफुल तो है, जैसे रिहर्स टाइमिंग, ठीक है, ये वाला हाइड स्लाइड आई थिंक समझ में आ जा रहा होगा। किसी स्लाइड शो के दौरान किसी स्लाइड को अगर हाइड करना है, उसके लिए हाइड स्लाइड है, जस्ट लाइक कस्टम कस्टम शो जैसा। लेकिन इसमें ऐसा है कि जस्ट अ मिनट ना, सपोज आई वॉन्ट टू हाइड स्लाइड नंबर 2, 3, 4, ठीक है, तो मैं 2 पे क्लिक कर लिया हूँ, उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के 3 पे क्लिक कर लो, उसके बाद 4 पे क्लिक कर लो, ठीक है। कंट्रोल दबा के करने से क्या, आप मल्टीपल स्लाइड्स को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मैं और एक बार बता देता हूँ। 2 यहाँ पर, 2 पे क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल दबा के 3 पे, फिर 4 पे, तो 3 स्लाइड सिलेक्ट हो गए। अब मैं यहाँ पर हाइड स्लाइड पे क्लिक करता हूँ, तो यू कैन सी दैट देयर इज यू नो कलर में हल्का सा ट्रांसपेरेंसी आ गया स्लाइड की। इससे हुआ क्या देखते हैं, अभी से जब हम लोग स्लाइड शो करेंगे तो ये हमारा पहला स्लाइड आ गया, उसके बाद सीधा आ जाएगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्लाइड आ जाएगा, ये सिक्स, ये सेवेंथ और ये एट्थ, खत्म। सो अभी हमें कितना स्लाइड दिख रहा है, सिर्फ 5 स्लाइड्स, ठीक है। वापस उसको अनहाइड करने के लिए सेम प्रोसेस है, आप उसे तीनों को सिलेक्ट करो और हाइड स्लाइड में दोबारा क्लिक करो, तो वो वापस आ जाने वाला है, ठीक। नेक्स्ट, रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग का मतलब क्या है, जैसे अभी मैं अपने स्लाइड शो को ऑटो में रखा है, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक चलते रहेगा, लेकिन अगर मैं इसे ऑन माउस क्लिक करता हूँ तो, और अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ, सो व्हाट विल हैपन, आई विल हैव टू प्रेस माउस बटन, नहीं तो वो आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक, क्लियर। सो ये जब भी स्क्रीन दिख ही रहा है, जब तक कि ना मैं ऐसे क्लिक करूँ, ये मैंने क्लिक कर लिया तो अगला स्लाइड आ गया, ठीक है। अब रिहर्स टाइमिंग में आप अपने हिसाब से स्लाइड शो के टाइमिंग को सेट कर सकते हो, दैट मीन्स कि एक स्लाइड को कितने देर तक रखना है, इतने देर तक एक स्लाइड को रखना है, दैट यू कैन सेट विद दिस ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड रिहर्स टाइमिंग, ठीक है, एक बार देख लो, ये भी काम आता है। रिहर्स टाइमिंग में क्लिक करने के बाद ये आपका शुरू हो गया, मतलब यहाँ पर देखो ये रिकॉर्डिंग करके ऑप्शन दिख रहा है, मैं थोड़ी साइड लेके आता हूँ तो दिखेगा। तो अभी 6 सेकेंड हो गया, 7 सेकेंड हो गया, 8 हो गया, मैं 9, 10, सपोज 10 सेकेंड में ये स्लाइड चले जाना चाहिए, फिर अगला स्लाइड आया, ये फिर 1, 2, 3, 4, 5,
सपोज इसको भी मुझे 8 सेकंड के लिए रखना है तो मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद इसे कितना देर तक रखना है, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन सेट द टाइम ऑफ योर प्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी टोटल भी यहाँ दिखा रहा है कि 32 सेकंड्स का आपका प्रेजेंटेशन बन गया है। अच्छा अभी लूप में है करके वापस 1 से आ गया, ठीक है। इसे अभी एंड शो कर देते हैं, एंड। हाँ, यहां पर फिर आपसे पूछा जाएगा द टोटल टाइम ऑफ योर स्लाइड शो है वॉज 3, डू यू वॉन्ट टू सेव न्यू स्लाइड टाइमिंग। एक्चुअली ये क्या लूप में आ गया करके ना ऐसा प्रॉब्लम हो गया, हमको लूप हटाना पड़ेगा, ठीक है। लूप हटाने के लिए सेटअप स्लाइड शो और यहां से इसको अनचेक कर दो, उसके बाद ओके, ठीक है। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है, ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप व्यू ऑप्शन में जाते हो तो व्यू में आपको रूलर मिलता है, रूलर यू कैन सी। वैसे हालांकि पावर पॉइंट में उतना ज़रूरी नहीं है, ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस जब मैं ग्रिड लाइन पे क्लिक किया हूँ तो यू कैन सी दैट वो जो अपने ग्राफ पेपर में डॉट डॉट लाइन होता है वैसे लाइन आ गया। ग्रिड लाइन का यूज़ होता है कि कोई दो इमेज को एक पैरेलल लाइन में रखना है, पैरेलल साइज में रखना है, तो उसके लिए ग्रिड लाइन का यूज़ ज़रूरी है। और गाइड जो है वो स्लाइड को 4 हिस्सों में बांट देता है, यू कैन सी ये डॉट डॉट लाइन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो 4 इक्वल पार्ट में ग्रे गाइड्स उसे बांट देता है, ठीक है। सो दीज आर द ऑप्शंस विच आर वेरी यूजफुल फॉर पावर पॉइंट, ओके। यस, आई गेव वन होमवर्क टू क्रिएट वन कवर पेज, सो एनी वन इज देयर हु हैज प्रिपेयर्ड? Yes. No response. Akshat, Aryan, Bhavik, Bhumi, Bhumika, Hiteshi, Gaurav, Kalp, Krishika, Labdhi, Manvi. No one has. Sheetal is saying, I forgot it. Okay. So, I don't know how should I say to do the work. It is your responsibility to do the work. I don't know why don't you do. Okay, see, मैं अपने PPT को black and white बना दिया, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के लिए व्यू में जाना है, यहाँ से ग्रे स्केल पे क्लिक करना है या ब्लैक एंड व्हाइट में, हालांकि इसका कोई खास जरूरत तो नहीं है, ठीक है, इसमें और तो कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, एक लेट मी लिंक वाला जो था, सो वन इंपॉर्टेंट थिंग देख लो एक बार, इन दिस स्लाइड यू कैन सी देयर आर 4 डिफरेंट पिक्चर्स, ठीक है। अब सपोज ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर के लिए 2 पिक्चर है, ये वाला और ये वाला, ये क्या इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल इन द सेंस अलग अलग है। सपोज यू वांट टू मेक इट अ सिंगल, मतलब इन दोनों को एक ग्रुप में लाना है, व्हाट यू हैव टू डू, एक ग्रुप में लाने से फायदा क्या है, जब आप मूव करोगे तो दोनों पिक्चर एक साथ मूव होगा, अभी एक साथ नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसे हम लोग ग्रुपिंग कहते हैं। एंड हाउ वी विल डू दैट, वेरी सिंपल, आपको इमेज पे क्लिक करना है, दोनों इमेज को सिलेक्ट करना है, तो 2 तरीका है। अब पहले इमेज को सिलेक्ट कर लो, दूसरे इमेज पे कीबोर्ड से कंट्रोल दबाकर दूसरे इमेज पे क्लिक करोगे तो
तो दोनों पिक्चर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्ट हुआ है लेकिन ग्रुप नहीं हुआ है इसका, मतलब अभी मैं छोड़ दूंगा उसे, बाहर क्लिक करूंगा तो वापस से सिलेक्शन हट जाएगा और वो वापस इंडिविजुअल हो जाएगा, है ना। सो सपोज आई वॉन्ट टू मेक इट इन वन ग्रुप, सो व्हाट आई हैव टू डू, पहले तो इन दोनों फोटो को सिलेक्ट कर लो, इमेज को, दोनों इमेज को, देन यू हैव टू राइट क्लिक ऑन द पिक्चर, देन यू विल फाइंड द ऑप्शन ग्रुप। सो इफ यू क्लिक ऑन ग्रुप देन नाउ यू कैन फाइंड सी दैट कि व्हेन आई क्लिक ऑन द पिक्चर बोथ द पिक्चर्स आर बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है, दोनों सिलेक्ट हो रहा है और मैं जहां भी मूव करूं दोनों एक साथ मूव होगा। सो दिस इज a nice option and useful also. You can also make it like previous, jaisa pehle tha, ungroup kar sakte usko. You have to right click and go to the group option, then click on ungroup. To fir wo wapas ungroup ho jayega, theek hai. Ye ek important option tha jo hamare kaam aa sakta hai, theek hai. Yes. और कुछ आई मीन अगर किसी को और पता है तो एक बार बता सकते हो, और पावरपॉइंट में और क्या किया जा सकता है। अच्छा, डू यू नो दैट विथ पीपीटी वी कैन क्रिएट लाइक केबीसी क्विज। Do you have prepared any quiz in PPT? No, sir. No, sir. We can prepare. ठीक है। चलो, so I think we have covered the important points of PowerPoint. ठीक है, एक बार book को भी आप देखो, notes बनाने के लिए तो book का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। एक जो है मुझे दिख रहा है बुक से, वो है सेटिंग इमेज एज वाटरमार्क। वाटरमार्क मतलब जैसे बैकग्राउंड में हल्का सा लाइट कलर का होता है वाटरमार्क, ठीक है। अब ये जो मेरा स्लाइड है इसके बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, बैकग्राउंड पूरा वाइट है। अब मैं इस बैकग्राउंड पे एक पिक्चर डालना चाहता हूँ और वो उसका जो ट्रांसपेरेंसी हो वो कम हो ताकि वो वाटरमार्क जैसा दिखे, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, सपोज ये वाला पिक्चर को मैं पहले, ठीक है, इसको यहीं रहने दो, उसको जरूरत नहीं है। आप चले जाओ डिजाइन में, डिजाइन में आपको यहां मिलता है फॉर्मेट बैकग्राउंड, सो क्लिक ऑन फॉर्मेट बैकग्राउंड, ठीक है। इफ यू क्लिक ऑन फॉर्मेट बैकग्राउंड सो यू विल फाइंड सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर पैटर्न। तो मैं आपको एक पिक्चर को लाना चाहता हूं, तो जैसे मैंने पिक्चर पर क्लिक किया तो यू कैन सी यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर एक पिक्चर ऑलरेडी आ गया है। यू कैन चेंज इट, अगर आपको दूसरा पिक्चर लाना है तो आपको क्या करना होगा, ये पिक्चर सोर्स में जाके इंसर्ट पे क्लिक करो। इंसर्ट पे क्लिक करने से आपके कंप्यूटर का वो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। तो ये एडवांस वर्जन है करके ऐसा ऑप्शन आता है, नहीं तो डायरेक्ट माय कंप्यूटर ही खुल जाएगा, ठीक है, जैसे अभी ये खुला है, ठीक है। चलो, अभी मेरे पास पिक्चर कहाँ होगा, एक मिनट, लेट मी फाइंड वन पिक्चर, आप ही लोगों से लिया जाए, क्लास 9th, ठीक है। वापस से हो गया, इतना सारा पिक्चर कहाँ चला गया, ओके ये वाला ले लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, मैकाफी इंसर्ट। सो यू कैन सी दैट the background, the picture is set. अब इसे watermark करना है तो इसको थोड़ा transparency को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। So यहाँ पर जहाँ पर insert था उसी के नीचे एक option है transparency,
यानी यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है, तो जब मैं इसे बढ़ाता हूँ, ठीक है, सो यू विल फाइंड द डिफरेंस, लेट इट बी 50%, सो यू कैन सी द चेंज, है ना, चेंज दिखा होगा, अगर इसे मिटा, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल उसको ट्रांसपेरेंसी है, और मैं इसे अगर 80% कर देता हूँ, यू कैन सी दैट द इमेज हैज बिकम लाइटर जस्ट लाइक वाटर मार्क. तो ट्रांसपेरेंसी के हेल्प ऑप्शन से आप इसे वाटरमार्क बना सकते हो. एक तो हो गया, और कुछ खास बुक में से बाकी सबको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है. साउंड और वीडियो को कैसे ऐड करना है अपने स्लाइड में, आई होप यू नो दैट, अगर नहीं पता है तो एक बार देख लो. पहले तो स्लाइड पे क्लिक करो जिसपे साउंड या वीडियो आपको ऐड करना है. Then you have to click on insert. So in insert button you will find video option and audio option both. ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा सबको. अगर आपको audio लाना है तो audio पे click करो. And then you have to click on audio on my PC. तो अभी फिलहाल मेरे पास कहाँ होगा sound, देखना पड़ेगा. ठीक है, from here you can find out the music. ठीक है, और उसे आप अपने स्लाइड पे इंसर्ट कर सकते हो. ठीक, एक अच्छा म्यूजिक है, ब्यूटीफुल इजी इंस्ट्रूमेंटल, इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दो. ठीक है, हाँ, ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि फाइल साइज काफी बड़ा है. ओके, अभी इंसर्ट हो रहा है.